हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ईके सिंह और आज हम केवीएस साइको यानी कि पैडागोजी का लास्ट यूनिट देखेंगे। और यह लास्ट यूनिट क्या कहती है, प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन यूनिट नंबर 5 लास्ट यूनिट है आपकी। प्रोस्पेक्टिव्स इन एजुकेशन, ठीक है। तो ये यूनिट है आपकी, अब लास्ट यूनिट बच रही है। और अभी यानी कि आज है 6 तारीख, ठीक है। अब जो TGT का एग्ज़ाम है आपका, यानी TGT का एग्ज़ाम कब है, 12, 13, 14 के आसपास है, यानी 3 दिन, मतलब आज से 6 दिन बच रहे हैं। और 6 दिन का मतलब ये है अब आपका पूरा टॉपिक 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ नहीं बचा है इसमें से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बिल्कुल अच्छी तरह से बता दूंगा कि आपका अगर आपको एक क्वेश्चन भी फंसेगा तो वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। RTE है, ठीक है, 2009 है, पैडागोजी ऑफ स्कूल, ये सब बच्चे बच्चे वाले टॉपिक है। करिकुलम एरिया है, लर्निंग नॉलेज है, वो सब कवर हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक है क्या है हमारा, आज का टॉपिक है रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। ये है आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आएगा रोल ऑफ स्कूल अचीविंग एम ऑफ एजुकेशन। पहले रोल ऑफ स्कूल पढ़ते हैं, फिर इन अचीवमेंट या फिर अचीविंग पढ़ेंगे। चलिए, रोल ऑफ स्कूल। अब रोल ऑफ स्कूल का मतलब क्या है, आपने 50% से ज़्यादा जो चीज़ें हैं इस घर पर सीख ली, ठीक है, घर पर सीख ली, पर उसको यानी कि आपका ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या है, एक तरह से जिस तरह से हम कुम्हार बनाता है क्या बर्तन बनाता है, तो वो जो पहले बर्तन बना के रखता है वो कच्चे रहते हैं, टूट जाते हैं, तो वो जो ज्ञान है यानी कि यहाँ पर जो घर में जो ज्ञान मिला हुआ है, ठीक है, पर ये उसी तरह का ज्ञान है जिस तरह का ज्ञान बच्चे को या फिर कुम्हार के जो बर्तन होते हैं वो पकने से पहले टूट जाते हैं। और जैसे ही वो स्कूल में जाता है, यानी स्कूल में जाकर जो 50% जो ज्ञान है यानी कि जो बर्तन कच्चा था अभी तक, इसे भट्टी में पका दिया जाता है और भट्टी में पकाकर ये ठोस यानी मजबूत बन जाता है। तो वैसे ही आपका जो ज्ञान है यहाँ से यहाँ तक आकर पूरा एक ठोस हो जाता है। ये है रोल ऑफ स्कूल, यानी कम शब्दों में, नो बकवास, और आपको समझ में आ गया होगा रोल ऑफ स्कूल क्या है। स्कूल सर्व द पर्पज टू ट्रांसफर द नॉलेज दैट स्टूडेंट हैज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स नीड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि रोल का स्कूल का क्या है, स्कूल का मतलब ये है, रोल ये है स्कूल के कि वो बच्चों को ज्ञान में वृद्धि करे, विकास करे, नॉलेज प्रदान करे, स्किल्ड बनाए, ये है रोल ऑफ स्कूल। फिर आगे क्या आता है, इन अचीवमेंट, ठीक है, अचीव करने के लिए क्या है भाई, आपने देखा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग, ठीक है, ये आपका स्कूल है, ठीक है, इसमें आपका एक छोटा सा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, वो घर से यहाँ आया, मतलब उसका एडमिशन अभी हुआ, अब उसे क्या सिखाया जा रहा है, स्कूल में
खेल भी सिखाया जा रहा है, संगीत भी सिखाया जा रहा है, ड्राइंग भी सिखाया जा रही है, मैथ भी सिखाया जा रहा है, इंग्लिश भी सिखाया जा रही है। यानी कि उसकी जो अचीवमेंट है, यहाँ पर घर पर वो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहा था, अब यहाँ पर उसे मल्टी डायमेंशन बनाया जा रहा है, स्किल्ड बनाया जा रहा है, क्रिएटिव बनाया जा रहा है। तो ये है रोल ऑफ स्कूल। देखिए छोटे छोटे टॉपिक, ये तो आपने जब बीएड में पढ़ते हैं ना, हम स्किल वाला और एक अचीवमेंट वाला जो चैप्टर है, रोल ऑफ स्कूल का जो चैप्टर है, उसमें भी दिया जाता है कि रोल ऑफ स्कूल क्या है। फिर आते हैं एम ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, ये स्कूल के पर्पस भी है, रोल ऑफ स्कूल में ही है, रोल ऑफ स्कूल में ही क्या है, एम ऑफ एजुकेशन। अब एम क्या है स्कूल के या फिर एजुकेशन के, भाई सबसे पहला है सोशल एम, फिर क्या है कल्चरल एम, कल CULT चरल एम, मोरल एम, और क्या होंगे बताइए, सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक और क्या होंगे, चारित्रिक, यानी कि चारित्रिक रूप से बनाना, से सांस्कृतिक बनाना, सामाजिक बनाना। तो ओवरऑल जो समाज से, यानी कि समाज से जुड़े व्यक्ति हो, बच्चा क्या है समाज से जुड़ा, स्कूल कहाँ है समाज में, घर कहाँ है समाज में, तो सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए बच्चे को तैयार करना है। यानी कि उसके एम्स क्या होंगे, एजुकेशन के एम क्या है, एजुकेशन किस लिए प्रदान करें, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, एक अच्छा फैमिली मेंबर बनाने के लिए। ठीक है भाई, अच्छा नागरिक होगा तो देश के लिए अच्छे सोचेगा, अच्छा व्यक्ति होगा तो समाज के लिए अच्छा सोचेगा, अच्छा व्यक्ति होगा या फिर अच्छा एक तरह से पुरुष होगा या महिला होगी तो वो क्या घर के लिए सोचेगी। तो ये सब चीज़ें एम ऑफ एजुकेशन का मतलब ही है कि उसे सोशली भी एम करना है, कल्चरली एम करना है और मॉरल रूप से भी एम लेके चलना है। क्योंकि जब सोशल रूप से जुड़ेगा वो एजुकेशन के द्वारा, उसे एजुकेशन के द्वारा सोशली रूप से उसकी उसका जो सोशल इंट्रैक्शन है, सोशल यानी कि बच्चों के साथ उसे इंट्रैक्शन, इसलिए कहते हैं ना ग्रुप डिस्कशन करिए, ये ग्रुप में खेलिए कूदिए, क्यों खेलिए कूदिए होता है, जब स्कूल में ग्रुप में रह के ग्रुप पार्टिसिपेट कराया जाता है, ग्रुप में रह के बहुत सारी चीज़ें कराई जाती है, क्यों कराई जाती है, क्योंकि उससे बच्चे सामाजिक होंगे, सांस्कृतिक चीज़ें सीखेंगे, सांस्कृतिक चीज़ें सीखेंगे। एक आता है मान लीजिए, एक जैन धर्म से आता है, एक हिंदू धर्म से आता है, एक मुस्लिम धर्म से आता है, तो जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ये तीनों एक दूसरे को अपने धर्मों के बारे में बताएंगे, उनकी संस्कृति के बारे में बताएंगे, उनकी चरित्र बताएंगे, तो वो भी सीखेगा, यानी धार्मिक रूप से भी सीखेगा, कल्चर क्या क्या हमारे यहाँ, इनके यहाँ ये कहेंगे कि हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें खाई जाती है, इस तरह का पहनावा है, इस तरह की बोली है, इस तरह की चीज़ें वो सीखेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे को एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इसलिए दी जाती है जिससे वो समाज का हिस्सा है, भाई समाज में रहना है और समाज का हिस्सा है, और वो समाज में सर्वाइव कर सके, समाज के अपने नॉलेज को बढ़ा सके, अपने जीरो से लेके 100 तक के ज्ञान को बढ़ा सके, उसका विकास कर सके और उसे ऊपर तक लेके जा सके, जिससे वो समाज में रह सके। सीधी बात यह है, समाज में रहने के लिए हम एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। अब कोई ये कहे कि मैं नौकरी के लिए प्राप्त करता हूँ, मैं नौकरी कहाँ करोगे, समाज में तो करोगे, इसलिए पहले समाज आएगा फिर नौकरी आएगी आपकी। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अर्ली चाइल्ड केयर, अर्ली चाइल्ड केयर वाला हम जो दोबारा पढ़ेंगे तो वही है। चलिए थैंक यू।